हेलो। और हाँ प्रणाम भैया। विशाल, क्या चल रहा है कोटा में? अरे बस वही दिन भर का कोचिंग, आना जाना, लंबे लंबे लेक्चर्स और नोट्स जिनको देखने का भी मन नहीं करता यार भैया। अरे वो डिटेल नोट्स से परेशान मत हो, वो एंड में काम आ जाएंगे। अरे यार भैया, लेकिन अभी स्कूल के यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, हाफ ईयरली फाइनल। यहाँ टीचर्स बोलते हैं ये सब पे ध्यान मत दो, लेकिन कैसे छोड़ दो यार, बताओ। अच्छा, वो तेरे नीट वाले दोस्त का क्या हाल है? अरे यही बगल में पड़ा हुआ है, लाभ से बात करेगा, लीजिए। हेलो प्रणाम भैया, हाँ बोल। अरे आप भी भैया बस टेंथ के ही सब कुछ डाल रहे हो, हमारा कुछ करो भैया। परेशान ना हो, देख एक काम करियो, तुम दोनों आज शाम को 8 बजे पल्ले सीनियर्स पे आ जाओ। क्लास 11th 12th की किसी भी स्ट्रीम से हो, अभी जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है इसको ध्यान से देखना। ये केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स हैं। देखो, सबसे पहले केमिकल बॉन्ड क्या है, पॉइंट्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या है, ये सब तो हर नॉर्मल नोट्स में लिखा होता है। बट हमने ये टू वे कम्युनिकेशन नोट्स कैसे बनाए हैं कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड याद कर लेना। फिर नीचे आओगे तो हर एक हाइड्रोजन के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी बेसिक से बेसिक पॉइंट्स को एज अ टीचर तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, एज अ ब्रदर, एज अ पार्टनर जो तुम्हारे सामने बैठ के नोट्स पढ़ रहा हो, इस तरह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को बिल्कुल व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखा गया है, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं डिटेल में लिखा गया है कि तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछ लेता है। तो स्कूल एग्जाम्स के लिए ये नोट्स बिल्कुल परफेक्ट है। और जैसे ये केमिस्ट्री के नोट्स हैं, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, इसके साथ साथ फिजिक्स के भी नोट्स हमारे सामने हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, देखो बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज। और यहाँ पर आसान भाषा में कहूँ तो कोचिंग से छूटने के बाद तुम अगर सीधे घर पे आ जाओ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी व्हाट्सएप लैंग्वेजेस का यूज करके टू वे कम्युनिकेशन के साथ ये नोट्स डिजाइन किए गए हैं। और जब तुम फिजिक्स के या केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे आओगे तो देखोगे सॉल्यूशंस में भी तुम्हें सिर्फ सॉल्यूशन लिखा नहीं गया है, बल्कि समझाया गया है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया गया है। फिर नीचे आओगे तो रिटार्डेशन और डिक्सलरेशन दोनों ही एक चीज है, और इसमें वैल्यू निगेटिव में आती है। यानी जितनी भी छोटी मोटी चीजें होती हैं, जैसे साइंस कहाँ पे कौन से हैं, कहाँ पर कौन सी वैल्यू, कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, हर एक चीज लिखा गया है। एंड सिर्फ साइंस नहीं, ये रहे कॉमर्स के डिटेल्ड नोट्स जिनको हमने बैठ के SRCC के टॉपर से बैठ के नोट्स बनवाए हैं ये सारे के सारे। और मैं खुद बैठा हूं, सिर्फ ऐसा वर्क किसी को दे नहीं दिया है हायर करके कि ये लो काम कर दो, मैं खुद उनके साथ बैठा हूं दिन से रात दिल्ली आ करके। एंड सेम विथ ह्यूमैनिटीज नोट्स, ह्यूमैनिटीज के नोट्स से देख लो, ये सारे सब्जेक्ट के नोट्स, चाहे तुम्हारा साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो, कॉमर्स हो, हर एक स्ट्रीम के नोट्स यार हमने टॉपर्स के साथ बैठकर बनाए हैं। और ये बिल्कुल रेप्यूटेड कॉलेजेस से हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे IIT, NIT और जितने भी रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, उन सबके साथ बैठ के ये नोट्स स्पेशली तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स के लिए डिजाइन किए गए हैं और JEE नीट के बेसिक्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो एक बार खुद इन नोट्स को पढ़ना, और क्लास 12th के भी नोट्स अब आ चुके हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलने वाला कि ये बेस्ट नोट्स हैं, क्योंकि मैं तुम्हें कोई भी चीज बेच नहीं रहा हूं। ये सारे नोट्स हमेशा की तरह यार, जैसे 10th में था वैसे अब भी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट पढ़लेअक्षय.com पर क्लास 11 सेक्शन में मिल जाएंगे। और अगर वहां पर एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो टेलीग्राम चैनल पढ़ले अक्षय पर जाओ, और वहां पर डायरेक्ट PDFs मैंने डाल दिए हैं हर एक नोट्स के। और तुमसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सब में शेयर करना, सबको बता देना कि फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट नोट्स आ चुके हैं। और उसके बाद क्या, अबे जाना जा पढ़ ले।